हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल दी स्टडीज फ्रेंड। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड यहाँ पर इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी काल को स्वर्ण युग घोषित किया था। फ्रेंड जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल को चार भागों में डिवाइड किया था। पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्तिकाल और तीसरा था रिक्तिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो फ्रेंड जो आदिकाल था उसको हम उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी और भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आधुनिक काल को हम लोग नवजागरण काल या भारतेंदु काल कहते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो है अमीर खुसरो ने मुकरियों की शुरुआत की थी। फ्रेंड जो अमीर खुसरो हैं उनका नाम जो मूल नाम है वो अबुल हसन था। अबुल जो था उनके जो जलालुद्दीन खिलजी था, दिल्ली का सुल्तान था, उनसे प्रसन्न होकर उनको ये जो अबुल था नाम दिया था और इनका जो उपनाम था वो खुसरो था। तो इसके साथ इनका नाम अमीर खुसरो पड़ गया। फ्रेंड इनको तूतीय हिंद या तोता ए हिंद बोलते हैं। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था और फ्रेंड इन्होंने कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य और इसी के साथ मुकरियों की भी मतलब शुरुआत या जन्मदाता कहा जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का चंदर बरदाई किसका लोकप्रिय नाम है? तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा वृंदा लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदर बरदाई कहते हैं। फ्रेंड जो चंदर बरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, जो बहुत सबसे बड़ा काव्य माना जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा स्वयंभू जो थे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। तो फ्रेंड यहाँ पे जब अब जो स्वयंभू थे पौचर्यु और रिठेड़मी चर्यु नामक ग्रंथ की रचना की थी। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो है विद्यापति ने अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फ्रेंड विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? गोविंद योगी इनके गुरु का नाम था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे हम सब जानते हैं किसका आंसर होगा सूरदास। सूरदास जो थे वो भक्ति काल सगुण काव्यधारा के कवि थे। फ्रेंड इनकी 3 रचनाएं काफ़ी फेमस है, सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। फ्रेंड सूरदास की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी और इनके जो साहित्य में भ्रमर गीत काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। हिंदी गजलों का राजकुमार किसका लोकप्रिय नाम है? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर होगा दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों का राजकुमार नाम उपनाम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर होगा सरहपा ने हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फ्रेंड यहाँ पे जो सरहपा है उन्हें आदिकाल का कवि कहा जाता है और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। फ्रेंड इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से नवाजा जाता है। और फ्रेंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि का क्या नाम है? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर होगा श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर है कायाकल्प, जो कि 1926 में। फ्रेंड प्रेमचंद के जो रचनाएँ हैं वो है पहला पंच परमेश्वर, सौत, बेटों वाली विधवा, सजनता का दंड, ईश्वरीय न्याय आदि इनकी कहानियां हैं। फ्रेंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार पर किसने प्रदान किया था? तो फ्रेंड यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा का क्या नाम है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा अर्थ कथानंद बनारसी दास ने 1641 में रचना की थी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो है पंत चिदंबरा, 1968 में इनको मिला था। तो फ्रेंड जो महादेवी वर्मा थी उनको यामा के लिए मिला था, और जो उर्वशी थे उनको उर्वशी को दिनकर को मिला था कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? तो फ्रेंड यहाँ आंसर होगा नागपुर में 1975 में किया गया था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वर्धा में है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1977 में भाषण दिए थे। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी? तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा निहार, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड यहाँ पे महादेवी वर्मा का जो यामा है उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और ये पहली महिला थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। फ्रेंड हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड इसी के साथ मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।